हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री लर्नर ऐप यूट्यूब चैनल। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्रीकल्चर करंट अफेयर एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्च 2020, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AFO, NABARD एंड अदर एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन सिटी वेयर 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020 बेस्ड ऑन द थीम एम्पावरिंग यूथ फॉर द टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग हेल्ड। ऑप्शंस आर चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, अमृतसर और न्यू दिल्ली। आंसर इज न्यू दिल्ली। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। ए 3-day लॉन्ग 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन द थीम ऑफ एम्पावरिंग यूथ फॉर द टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इट वॉज इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड ₹900 ए मंथली ग्रांट फॉर द फार्मर्स हु एडॉप्ट ए स्टे कैटल। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। आंसर इज उत्तर प्रदेश। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड मंथली ग्रांट ऑफ ₹900 टू दोज फार्मर हु कीप स्टे कैटल इन देयर हाउसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD हैज़ ग्रांटेड ₹ इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2020। ऑप्शंस आर 2.32 लाख करोड़, 1.21 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़ और 1.12 लाख करोड़। आंसर इज 1.46 लाख करोड़। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एपेक्स डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, इट हैज ग्रांटेड 1.46 लाख करोड़ इन द रूरल बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग द करेंट फिस्कल ईयर 1920 विद द एम टू हेल्प देम टू गेट देयर रिसोर्स इफेक्टिवली फॉर हैंडलिंग द क्रेडिट नीड ऑफ रूरल पीपल इंक्लूडिंग फार्मर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट हु साइंड ए पैक्ट विद द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA इन द टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। ऑप्शंस आर IIT कोलकाता, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। आंसर इज IIT दिल्ली। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA हैज साइंड ए पैक्ट with IIT Delhi in the area of technology development for export promotion. Now come to the fifth important question. The government of India has set up a committee on in Rail Kisan for cold supply chain to transport perishable goods. The committee will formed under which Indian ministry? Options are Ministry of Railway, Ministry of Human Resource and Development, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs or Ministry of Agriculture. The correct answer is Ministry of Agriculture. Now come to the explanation. The government has formed a committee under the Ministry of Agriculture, which also include representatives of Indian Railway, to work out modalities of Rail Kisan. During the financial year 2020 and 21, the budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman proposed to set up Kisan Rail through the public-private partnership PPP model mode of cold chain supply to the transport perishable goods. Now come to the sixth important question. The Administrative Council of which Indian state or union territory has approved implementation of Dairy Cooperative Scheme March 2020? Options are Punjab, Jammu Kashmir, Haryana, New Delhi or Gujarat. Answer is Jammu Kashmir. Now come to the explanation. Jammu Kashmir Administrative Council approved the implementation of Dairy Cooperative Scheme for Dairy Cooperative Society with the support and sponsorship of National Cooperative Development Corporation to boost milk production in the Union Territory by empowering dairy cooperative societies with easy financial assistance. Now come to the seventh important question. The NABARD provided financial assistance of ₹42,313 crore in financial year 2019-20 for building rural infrastructure. Where is the headquarter of NABARD located? Options are Gurgaon, Lucknow, Mumbai, Chennai or Hyderabad. Answer is Mumbai. Now come to the explanation. National Bank for Agriculture and Rural Development provide financial support of ₹42,313 crore in the financial year 2019-20 for building rural infrastructure.
the headquarter of NABARD located at Mumbai, Maharashtra. Now the last and important question is for you. Phool Devi festival was celebrated in which among the following Indian state? Options are Assam, Uttarakhand, Chhattisgarh, Manipur or Uttar Pradesh. Comment your answers. Don't forget to leave your review about this video and suggest us next topic. Thank you.